हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे ये सब कि ये क्या है भाई, आज क्या लेके आ रखी हैं। तो ये है मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज, कुछ बहुत ही यादगार पल इन बुक्स में कैद है मेरे, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी सारे बचपन की यादें हैं। सबसे पहले मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई थी तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो मैंने ये कॉपी ली थी, मैं क्लास 9th की बात है ये, तो मैंने कॉपी ली थी और उसमें मैंने पूरी जनरलाइज़ किया था इसको। जनरलाइज़ मतलब लड़कियों के काम, लड़कियों की क्रिएटिविटी। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि मैंने इनको संभाल के रखा है। एक्चुअली मैंने अपनी ड्राइंग कॉपी भी संभाल के रखी थी, बट वो पता नहीं कहाँ गई, मुझे मिल नहीं रही। तो मैं किसी दिन मिलेगी तो फॉर श्योर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या जनरलाइज़ किया है बैक कैमरे से, ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। और देखो, लड़कियों के काम क्या होते हैं, या फिर हम क्या क्या करते थे जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली उस टाइम था, लेकिन एक ही था घर में मोबाइल फ़ोन्स, तो हम मोबाइल फ़ोन्स नहीं चलाते थे, हम यही काम करते थे, पढ़ाई करते थे और ये काम करते थे। तो मैं आपको अपनी करतूतें दिखाना चाहूँगी, और इसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के गिफ्ट्स भी हैं। हम ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत बनाए। गाइस, इसमें आप बहुत कुछ देखने वाले हो शायद। मैं तो जब भी इसको देखती हूँ मैं सेंटी हो जाती हूँ हमेशा, मतलब इसमें मेरी बहुत सारी यादें हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत है। मेरे कैलाश और वाले फ्रेंड्स के, मेनली कैलाश और वाले फ्रेंड्स के हैं, और मणिपुर वाले फ्रेंड्स के भी हैं, मतलब इम्फाल वाले फ्रेंड्स के भी हैं। तो अगर देख रहे हो कैलाश, तो देखो तुम्हारी यादें संभाल के रखा है मैंने। तो लेट्स सी। सबसे पहले ये पेज आता है मेरा, इसमें भाई और मेरी फ़ोटोज़ है, देखो हम कैसे थे। ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ, और ये बहुत ही बचपन की फ़ोटो है। ये मैं, ये मेरा भाई और ये मेरा कज़िन, वो हमारे साथ रहता था, पंकज पंकू, और ये हम चारों, ये एडिटिंग करके बनाई थी हम चारों की फ़ोटो। उसके बाद कुछ हैं ये क्रिकेटर्स, पता नहीं मुझे इतना शौक क्यों था कि मैं मैगजीन्स कलेक्ट करके, मतलब न्यूज़पेपर कलेक्ट करके फ़ोटोज़ काट के चिपकाती रहती थी। विराट कोहली, ये सब दिख जाएंगे आपको। एक्ट्रेसेस के बारे में भी है, एक्ट्रेसेस अपना नाम भी भूल गई मैं, क्या क्या है इनका नाम। और ये मेरी बहुत प्यारी याद है, ये हम गए थे रीजनल लेवल। ये मेरी कोको की है, मुझे पहचानना मैं कौन सी, मुझे बताना कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, मैं कौन सी उनमें से। और ये हमारी क्लास, ये हमारी कैलाशर की है। ओह माय गॉड, हम लोग की 7th में थे आई थिंक, सी वी 7th की। इसमें से भी पहचानना मुझे, मैं कौन सी अगर मैं दिख रही हूँ तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। और ये हमारी डांस की है, हमने डांस किया था कौन से गाने में, इसमें पहचानना मुझे कौन सी हूँ। ये वे वो वाला गाना नहीं है, तितली वाला गाना, चेन्नई एक्सप्रेस का तितली वाला गाना, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा वाला, वो उस वाले गाने में ये बॉयज़ की खोखो टीम थी, ये क्रिकेट टीम थी बॉयज़ की। और ये हमारा कैलाशर का स्कूल था, पुराना वाला, ओल्ड वाला, न्यू वाला तो दूसरा था। फिर ये भी कुछ यादें, ये सब नेशनल प्लेयर थे बॉयज़ में। और ये हमारी स्काउट गाइड, कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये हमारी दूसरे बार की थी, और दूसरे बार जब हम खो गए थे तो इसमें हम फर्स्ट आए थे, उसमें हम सेकेंड आए थे, इसमें हम फर्स्ट आए थे। तो इसमें पहचानना मुझे, और आप लोग खुद को भी पहचानो कौन कौन है। और ये हमारे प्रिंसिपल सर, इनको हम थंगावली कहते थे, ये साउथ के थे ना। इनका नाम थंगावली रखा था। हमारी कुछ और यादें हैं, ये 8th की आई थिंक, हाँ 8th में थे हम। हमारी मॉर्निंग असेंबली, ये हमारा न्यू स्कूल था, तब बन ही रहा था जस्ट, अब तो काफ़ी सुंदर हो गया कैलाशहर का। फिर ये उस समय ये रिलीज़ हुई थी मूवी, अगर आपको याद है तो, हैप्पी न्यू ईयर की मूवी। तो मैंने इसका भी पोस्टर लगवाया है यहाँ पर। फिर ग्रीटिंग कार्ड्स मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था न्यू ईयर के लिए, स्नेहानिता ने दिया था मुझे ये, टू निकिता मेहता फ्रॉम स्नेहा, स्नेहानिता दिख रहा है आपको। तो मैंने संभाल के रखा है अभी तक। कौन से क्लास के, ये क्लास 6th का आई थिंक, 6th में दिया था उसने। फिर ये भी उसी का है, वो नेक्स्ट ईयर दिया, रोज़ फॉर यू। ओ माई गॉड, ये थोड़ी सेंटिमेंटल बातें हैं तो मैं नहीं दिखाऊँगी आपको। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत, तो ये भी है हैप्पी न्यू ईयर, ये भी उसी का है, स्नेहानिता का है। ये भी है, ये तो ये मयूराक्षी का है शायद, मधुरिमा का, हाँ मधुरिमा का है। तो हम ग्रीटिंग्स कार्ड बहुत बनाते थे न्यू ईयर वगैरह में। और ये भी, ये अंकिता कपूर का है जो हिमाचल की हैं, वो चली गई, ये भी न्यू ईयर का है। इसमें मुझे शायरी बहुत पसंद है, तो फिर उन्होंने शायरी लिखी थी उसने, और कुछ ऐसे बनाया था। ये भी स्नेहानिता का है। और ये बताना ये किसका, अगर आप लोग जानते हैं तो, ये किसका स्टिकर है। तो ये कुछ हैं, ये अंकिता मिश्रा यूपी से हैं, ये गोरखपुर में रहती हैं। और ये कुछ मेरे भाई को गिफ्ट मिले थे शायद, वो भी चिपका देते। और ये उस समय ये भी रिलीज़ हुई थी, हम्प्टी डम्प्टी, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, मेरा मोरपंख। ओह माय गॉड, ये यहाँ पर है, मैं कब से ढूंढ रही थी इसको। ये राखी, ये अंकिता मिश्रा ने दिया है मुझे, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है,
हम बचपन से ही साथ थे, अभी भी कॉल आता है। ये मेरे वहाँ का है और ये मुझे सबसे प्यारा लगा, ये मणिपुर में जब ये दिया है मुझे प्रिया ने, प्रिया गोस्वामी। ये हम मणिपुर में साथ थे, फिर वो घर आ गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसने भी, मतलब बहुत अच्छा कार्ड बनाया था यार। वाह, तो ये क्रिएटिविटी देख रही हो लड़कियों की, तो ये सब चलता था हमारा मतलब इस टाइप का। तो मैंने ये सारी कलेक्शन रखा है अभी तक। फिर कुछ और शायरियाँ और ये कुछ कटिंग्स न्यूज़पेपर की, आई डोंट नो मैं क्यों करती, लेकिन मुझे मज़े आते थे ये सब करने में। देखो, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव्ड इट। फिर कुछ माय फेवरेट हीरोज़ उस समय की एक्ट्रेस थी, मेरा फेवरेट था उस समय। और ये आशिकी 2 रिलीज़ हुई थी आई थिंक, तब की मैगजीन में आया था या न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़पेपर है शायद, हाँ न्यूज़पेपर का। फिर ये कुछ फुल फॉर्म, उस समय हम फुल फॉर्म बहुत खेलते थे कि पूछते थे दोस्तों से। ओह माय गॉड यार, यादें। देन ये कुछ और, मुझे बताना किसकी है ये, कौन सी मूवी की फ़ोटोज़ हैं इन दोनों की। और ये कुछ स्प्लेंडर का, दिवाली के टाइम पे न्यूज़पेपर आया था शादी वाला, तो मैंने कटिंग करी थी। ये लेस का कुछ है, पता नहीं क्यों कटिंग करी थी लेकिन मैंने करी थी, मुझे बहुत शौक था कटिंग के, कट करके पेस्ट करना। सो ये भी आया था उस समय, मैसेज टू द मैसेंजर रिलीज़ हुई थी। ये मैगज़ीन का है, मैगज़ीन से काटा था मैंने, अब मैगज़ीन्स के हैं ये भी, ये भी, ये भी। वाह, ये कौन सा है बताना, बाहुबली। बाहुबली 2 आई थी ये ना, हाँ बाहुबली 2 रिलीज़ हुई थी शायद उस समय, या 1, नहीं 1 का है ये, उस समय रिलीज़ हुई थी। तो ये सब आए थे और ये बहुत प्यारी यादें। ये क्या, ये है असम का, नहीं त्रिपुरा का है ये, हम क्वार्टर्स में रहते थे ना, तो मेरी फ्रेंड, यार ये मेरा भाई देखो जो ये मेरी साइकिल, आई जस्ट मिस्ड। मेरे फिर से कुछ शायरियाँ, मुझे शायरियाँ बहुत पसंद थी, तो यहाँ मैंने वो चिपकाया था मोरपंख, तो पीछे देखा होगा आपने। और ये फ़ोटो अभी भी है यार, क्वार्टर्स। और ये सीरियल आता था उस समय कोई देखता होगा तो बताना। फिर ये कुछ है पढ़िए, उसके बाद ये है कुछ, और ये चॉकलेट के रैपर्स, सबको शौक होता है। और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, फिर इसके अंदर मैंने लेटर्स डाले, लेटर्स नहीं मेरे पास, ये मेरी फ्रेंड्स ने दी थी मुझे, फ्रेंड्स ही हाँ और कुछ नहीं, जस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने, ये शायरी होगी कुछ इसमें, मतलब मुझे पता नहीं कितना शौक था ना शायरी का, अभी भी मुझे बहुत शौक है। तो ये सब है, ये मेरे को स्नेहलता ने दिया था जब हम यहाँ आ गए थे ना, तब स्नेहा अगर तेरे को याद है तो बता तूने क्या क्या लिखा था इसमें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू आर स्वीट एज मच यू आर, थैंक यू। जब हम त्रिपुरा से मणिपुर गए थे तब उसने मुझे ये किसी के हाथ में भेजा था। ओह माय गॉड, मेरे पास अभी भी, मैं इसको पढ़ूंगी बाद में। तो ये थी मेरी कुछ, ये थी मेरी कुछ क्रिएटिविटी। और यार सही में मतलब यादें वो ताज़ा हो जाती है ना, तो मेरी बचपन से एक ही बेस्ट फ्रेंड रही है सिर्फ, मेरी स्नेहा नेता थी मतलब। फिर हमने, मुझे याद है फ्रेंडशिप देखी, मुझे पता ही बहुत चाइल्डिश बच्चे जैसी बात है, बट मुझे किसी से वाइब मैच नहीं करती ना जल्दी, तो वही थी शायद। अब है नहीं है तो बात की बात है, मतलब है ही ऑब्वियसली, मतलब वो वाइब जैसी मेरी और उसकी वाइब थी ना, वो किसी के साथ मैच नहीं है मेरी आज तक, नहीं है। मतलब फ्रेंड्स बने हैं, गुड फ्रेंड्स भी हैं, क्लोज फ्रेंड भी हैं, बट बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं ना एक, वो वाइब भाई सेम टू सेम, हम दोनों जहाँ भी जाते थे धूम मचाते थे। तो गाइज आई होप आपको मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई होगी, बचपन की क्रिएटिविटी, बचपन की जर्नल कह सकते हैं इसको। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी बचपन की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी फोटो, मैं तो खुद शौक हो जाती हूँ अपनी बचपन की फ़ोटो, अपनी देख कर, मेरे पेरेंट्स की देख कर, भाई की देख कर। तो नेक्स्ट वीडियो पक्का हो गई है कि फ़ोटोज़ वाली आएगी, और अगर आपको फोटोज़ वाली नहीं देखनी तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए, अगर देखनी तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिए कि हमें देखनी है करके। टाटा बाय बाय, टेक केयर।